16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा मामले में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी असलम और अंसार की पुलिस रिमांड को 2 दिन बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराने की बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वे दोनों समुदायों से हैं। इनमें से 8 का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है। गुरुग्राम में सोमवार को एक निजी एजेंसी की कलेक्शन वैन से बदमाश दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में 1 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय की ओर से सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की जानकारी दी गई है। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको बेल दी थी।